नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रिक सम्मेलन में हुए मोदी जी के भाषण के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि चाइना के प्रेसिडेंट यानी कि शी जिनपिंग ने क्या कहा, क्योंकि ये सेकेंड टाइम था जो भारत और चाइना का LAC पे विवाद हुआ है। उसके बाद ये सेकेंड टाइम था जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये दोनों ही आमने सामने पड़े थे। तो इन दोनों के बीच में पहली वाली जो बात हुई थी उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के ऊपर निशाना साधते हुए बात किया था। तो वहां पे मोदी जी ने चीन पे निशाना साधा था और यहाँ पे शी जिनपिंग ने एक तरीके से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली इंडिया और साथ ही अमेरिका वगैरह पे भी अपना निशाना साधा है। दोनों ने क्या कहा है, दोनों लीडर्स ने, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूं। तो मोदी जी का दोस्तों जो भाषण होता है शुरू, वो बेसिकली होता है ब्रिक्स के थीम को लेके। इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था उसमें जो थीम था ब्रिक्स का, वो था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इसको लेके थोड़ी सी उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने क्योंकि 75वीं वर्षगांठ इस बार World War II की थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि भारत के 2.5 मिलियन से ज़्यादा सैनिक इसमें भाग लिया था उन्होंने, तो उसको याद किया। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की बात की उन्होंने, और यूनाइटेड नेशन की भी 75वीं वर्षगांठ है इस साल, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात किया। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को बहुत ही कायदे से आप कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने सुनाया है, या आप कह सकते हैं रशिया और चाइना को सुनाया है, क्योंकि यही दोनों ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं बेसिकली वो पांच कंट्री हैं, इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट इसमें से है रशिया और चाइना। तो यूनाइटेड नेशंस को लेकर मोदी जी ने काफ़ी बोला। उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशन के हर तरह के मल्टीलेटरलिज्म, UN की वैल्यूज़ को और पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, इन सब में भारत ने योगदान दिया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग देशों में जाके जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें भारत से लेडीज़ भी, आर्मी के लोग जाते हैं और मेल्स भी जाते हैं। तो भारत का योगदान, भारतीय फोर्सेस का योगदान बहुत रहा है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस में। तो उसका नाम उन्होंने लिया और साथ ही साथ कहा कि हम UN की वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्था हो और ये अच्छे से काम करे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की कई सारे संकेत पिछले कुछ वर्षों में दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी और इसके इफेक्टिवनेस पे से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ये उन्होंने खुल के कहा। और उनका कहना था कि इस भरोसा उठने का रीज़न ये है क्योंकि यूनाइटेड नेशन और ऐसी ही बहुत सारी संस्थाएं जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वो जब बनी थी उसी समय की वैल्यूज़ को वो आज तक फॉलो कर आ रही हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है समय के हिसाब से, जिसकी वजह से उनका जो एक आप कह सकते हैं ढर्रा है काम करने का, वो तरीका पुराना ही रह चुका है, तो उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने इसके अलावा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, WHO इन सब का भी नाम लिया और इनके लिए भी उन्होंने कहा कि बदलाव की इन सब में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली उनका फोकस UN पे ही था। आपको पता होगा कि अगले साल से यानी कि 2021 से भारत 2 साल का अस्थायी मेंबर बनेगा यूनाइटेड नेशंस का, और भारत की पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि यूनाइटेड नेशन का भारत परमानेंट मेंबर बन जाए, क्योंकि उसके बाद ही भारत कुछ ठोस कदम उठा सकता है, यूनाइटेड नेशंस कुछ बदलाव ला सकता है, इस तरीके से कोशिश कर सकता है। उसके लिए मेंबर होना जरूरी है, जिस पे भारत हमेशा बात करता है। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद पे बात किया और आतंकवाद पे बात करते हुए उन्होंने व्लादिमीर पुतिन या आप कह लीजिए रशिया का तारीफ की और कहा कि रशिया जो आतंक के खिलाफ रशिया के कदम हैं वो अप्रिशिएट करने लायक हैं, और जो भी ऐसे देश हैं जो कि आतंक को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर दुनिया के हर देशों की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे निशाना डायरेक्टली पाकिस्तान पे था और इनडायरेक्टली तो तुर्की या फिर कोई और भी देश हो जो इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट करता है, उन सब पे ये निशाना था। पर मेन जो मोटा मोटी आज के मोदी जी के भाषण में रहा वो रहा यूनाइटेड नेशंस को ही लेके, कि यूनाइटेड नेशंस में बदलाव की ज़रूरत है। खैर, ये बात हो गई मोदी जी की। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि मोदी जी ने पिछली जो भाषण थे उनके दूसरे समिट में, उसमें चाइना पे निशाना साधा था। तो यहाँ पे दोस्तों चाइना के प्रेसिडेंट का क्या कहना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दोस्तों स्क्रीनशॉट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन ट्यूजडे कॉल्ड फॉर एफर्ट्स टू अपहोल्ड द ग्लोबल
मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम, प्रोटेक्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड रिजेक्ट द यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज एन प्रोटेक्शनलिज्म एमिड रैम्पेंट यूनिलेटरलिज्म एंड इकोनॉमिक बुलिंग। ये बेसिकली दोस्तों कहना था, थोड़ा सा स्टेटमेंट है जो मोटा मोटी है, जो ग्लोबल टाइम्स ने छापा है शी जिनपिंग का, क्योंकि मैं चाइनीज समझता नहीं हूं, नहीं तो मैंने खुद ही पूरा सुन लिया होता। खैर, उनका जो कहना था बेसिकली दोस्तों इस स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि उनका भी कहना है कि वो भी यूएन की जो मल्टीलेटरलिज्म है, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब यहां पे हुआ कि ऐसी चीज जो कि कई देश मिलके बनाए ऐसे नियम्स को, उन नियम को चाइना भी रिस्पेक्ट करता है और उन्हें चाहता है कि वो फॉलो करे, तो इसको चाइना सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो लोग खुद ही मतलब अकेले फैसला ले लेते हैं, तो उसको चाइना सपोर्ट नहीं करता है। और साथ ही साथ चाइना का कहना था कि इकोनॉमिक बुलिंग, इस पे बेसिकली चाइना के प्रेसिडेंट ने टारगेट किया कि चाइना इकोनॉमिक बुलिंग और ये इस तरह का जो अकेले खुद पे ही फैसला ले लेते हैं लोग बहुत ही पेट्रियोटिक होके, वो सब कुछ गलत है। तो इसमें आप निशाना कह सकते हैं इंडिया भी हो सकता है या फिर अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस इस समय आप कह सकते हो इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है, इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं इंडिया ने काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर दिया है चाइना के। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ बैन कर दी गई हैं इंडिया में, अमेरिका में भी बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किया जा भी सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई है, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर निशाना लगता है शी जिनपिंग का इंडिया पे ही था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यूनिलेटरलिज्म यानी कि अकेले फैसला ले लेना, क्योंकि आप नेशनलिस्ट सोच के हैं। तो बेसिकली इस तरह का बात उन्होंने कहा इंडिया को लेके, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो किस हद तक उन्होंने बोला है, शायद उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी को टारगेट करने की कोशिश की है। और उनके इस स्टेटमेंट से ये भी लगता है कि जो हमारी बात हो रही है चाइना के साथ बॉर्डर पे, वो कहां तक कैसे पहुंचेगी, इस पे भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है इस स्टेटमेंट को देखते हुए। तो फिलहाल अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद। किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य हैं।